हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग दो के चैप्टर संख्या 12 अर्थात 12 के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। और जैनेन्द्र कुमार जी ने एक निबंध लिखा है जिसका नाम है बाजार दर्शन। अब बाजार दर्शन में क्या लिखा इन्होंने, वैसे मैं बता देता हूँ। इसमें उपभोक्तावाद और बाजारवाद के मध्य द्वंद्व बताया गया है, किस प्रकार से परचेजिंग पावर में कितनी ताकत होती है, किस प्रकार से बाजार उनको मतलब अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। फिर इसमें एक चूरन वाले का भी एक जिक्र आता है कि उसको बाजार बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। यह सब हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन बच्चों इस सेशन में हम केवल ही केवल जैनेन्द्र कुमार जी के जीवन परिचय के बारे में प्रकाश डालेंगे और साथ में हम लोग जो बाजार दर्शन जो निबंध लिखा है जैनेन्द्र जी ने उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एक सारांश के रूप में कि क्या दिया हुआ है। जैसे हम नेक्स्ट सेशन में अर्थात कल हम इसका पाठ का सार पढ़ेंगे तो उसमें हमें समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो एक बार सभी एक बार लाइव आ जाइए, लाइव आने के बाद में मुझे कमेंट करके बताइए क्या हम लोग लाइव आ चुके हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं जीवन परिचय जैनेन्द्र कुमार जी, ठीक है। तो आ जाइए सभी, आपको पता है ना जितेंद्र चंडेल जो भी जितने भी बच्चे हैं उन सभी को पता है कि 3 बजे राजेंद्र सर की क्लास होती है हिंदी की, और हमारा उद्देश्य पता है कि 100 में 100 नंबर लाना है। फिर भी आप लोग समय पे कुछ समय लेट आते हो, 2-4 मिनट, क्यों भाई क्या कारण है। जब मैं समय पे आता हूँ तो आप लोगों को समय पे आना चाहिए, ठीक है। तो करें शुरुआत, ओके डियर, ओके ओके करें, ओके। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे YouTube चैनल अड्डा 24/7 क्लास 11th एंड 12th चैनल पर। जल्दी से आ जाइए, आज हम जीवन परिचय पढ़ रहे हैं जैनेन्द्र कुमार जी का। यदि हमारी पाठ्य पुस्तक की बात करें तो हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है आरो भाग दो और चैप्टर संख्या है 12, ठीक है। तो चलो करें शुरुआत, आगे सभी बता सकते हैं आप लोग जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म कब होता है, 1905, 1906, 1907, 1908 में कहाँ होता है, किस राज्य में होता है, बता सकते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। तब तक मैं आप बात चर्चा करें तो बेचा ये 9 नहीं है 12 है, ये ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। हाँ, और समय हमारा 3 बजे है, रोज़ाना हमारी क्लास हिंदी की होती ही है, ठीक है। जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म होता है 1905 ईस्वी में, कहाँ होता है बेटा, अलीगढ़ में। कहाँ होता है, अलीगढ़, और अलीगढ़ कहाँ पड़ता है, यूपी में अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, ठीक है। और 1990 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। याद हो गया हो तो एक बार हम लोग चर्चा कर लें कि 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका क्या होता है बेटा, जन्म होता है। मृत्यु की बात करें तो 1990 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो याद हो गया, आप लोगों से पूछा जाएगा कि जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म कहाँ हुआ, जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब होती है, तो ध्यान रखना 1905। कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है मिस्टर करण, क्यों भाई क्या बात है, हिंदी सब्जेक्ट नहीं पता क्या। आगे चलें, आप देखो हमें याद हो गया कि 1905 अलीगढ़ में इनका जन्म होता है, ठीक है। हाँ, अलीगढ़ में इनका जन्म होता है 1905 में, 1990 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, तो सबसे पहले हम उपन्यास की बात करें तो उपन्यास कौन कौन से इनके, परख है, सुनीता है, अनाम स्वामी है, त्यागपत्र है, कल्याणी है, जयवर्धन है और मुक्ति बोध। याद रखना है, आप लोगों पूछा जा सकता है कि परख उपन्यास के लेखक का नाम क्या है या परख उपन्यास किसने लिखा, उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। तो परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध इनके उपन्यास हैं। कहानी संग्रह की बात करें, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब। याद हो गया, वातायन, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, फांसी और पाजेब और दो चिड़िया, याद हो गया। तो ऐसे याद रखना, देखो पूरा याद नहीं होता, ऐसे याद रखना है कि परख हो गया, अनाम स्वामी हो गया, ऐसे याद करना लिख लिख रख के, सुनीता हो गया, जयवर्धन हो गया, मुक्तिबोध हो गया, ऐसे याद करना हमें, ये तो इनके उपन्यास हो गए। अब पाजेब हो गया, दो चिड़िया हो गया,
दो चिड़िया हो गया, नीलम देश की राजकन्या हो गया, ठीक है। ये इनकी क्या होगी बेटा, एक रात हो गया, ये क्या होगी इनकी कहानी संग्रह हो गया। तो हमें याद करना है इन लोगों इनको, ठीक है। आगे हम चर्चा करें इनके विचार प्रधान निबंध संग्रह कौन से हैं, तो प्रस्तुत प्रश्न है, जड़ की बात है, पूर्वोदय है, साहित्य का श्रेय और प्रेय है, सोच विचार और समय और हम है। याद करना है, प्रस्तुत प्रश्न हो गया, जड़ की बात हो गया, पूर्वोदय हो गया, साहित्य का श्रेय और प्रेय हो गया, सोच विचार हो गया, समय और हम हो गया। आगे हम चर्चा करेंगे इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, भारत भारती सम्मान मिल चुका है, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। हमने अभी अभी इससे पहले जो 11 चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर संख्या 11 पढ़ा था, महादेव वर्मा का भक्ति, तो उन्हें भी पद्म भूषण से पद्म भूषण सम्मानित किया जा चुका था और इन्हें भी पद्म भूषण सम्मानित किया जा चुका है। आगे देखिए, अब देखिए इन्होंने साहित्य में क्या क्या योगदान दिया। देखो क्या कहते हैं ये, यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठे बैठ सकता है वही तो असमर्थ है। कहने का तात्पर्य क्या है, यथार्थ को, यथार्थ क्या होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो है जैसा का जैसा है, यदि आप लोग उसे अंतिम सत्य मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अंतिम सत्य मान लेते हैं, तो वही व्यक्ति क्या हो जाता है, असमर्थ मान लेता है अपने आप को कि मैं अब आगे कुछ नहीं कर सकता। नहीं दोस्तों, आप लोग जैसे समय परिवर्तन होता है वैसे भी आप लोग किसी भी कार्य में परिवर्तन कर सकते हैं। तो वही बात है कि यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो क्या है, असमर्थ है। कभी भी यथार्थ को सत्य नहीं मानना चाहिए। आप लोग स्वयं किसी भी समय कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी लाइन कही है। नेक्स्ट है, पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए हैं वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। लेकिन जिन्होंने सपना देखा है कि मैं ये बन सकता हूँ, मैं यह कार्य कर सकता हूँ, तो वह निरुत्साहित नहीं हो सकता। यानी कि देखो कैसे निर धने उत्साह धने इत, तो उत्साह मूल शब्द है, निर या नहीं, यानी कि जिन 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 व्यक्तियों ने, जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने सपना देखा है कि हिंदी में 100 नंबर लाना है, वह कभी भी निरुत्साहित नहीं हो सकता। वह केवल उत्साह से ही प्रफुल्लित तो हो जाएगा, गदगद हो जाएगा कि सर जब इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि 100 में 100 नंबर लाना है, वो मेरा तरीका है, मैं कैसे दिलाता हूँ, बस आपको तो रोजाना लाइव सेशन लेना है 3 बजे रेगुलर, ठीक है। हाँ, तो वह निरुत्साहित नहीं हो सकता जिसने सपना देखा है, मतलब जिन्होंने ऐसा सोचा है कि मैं कार्य कर सकता हूँ, जिसके सत्य के दर्शन कर लिया है, तो वह कभी भी यथार्थ से नहीं डर सकता। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेन्द्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, हिंदी के सम्राट, उपन्यास सम्राट, जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद के बाद जो महत्वपूर्ण कथाकार हुआ, उनका नाम कौन है, जैनेन्द्र कुमार जी ही हुए हैं। यानी उनका अवदान बहुत व्यापक, यानी विस्तृत रूप से वैविध्यपूर्ण है। यानी कहने का तात्पर्य कि आपसे पूछा कैसे जाएगा एग्जाम में, इस प्रकार से पूछा जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद के बाद दूसरे सबसे बड़े कथाकार के रूप में कौन से कवि लोकप्रिय हुए है? तो क्या नाम उनका, जैनेन्द्र कुमार। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाकार कथाधारा का परिवर्तन किया। यानी इन्हें पूछा जाए हिंदी का एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाकार कौन है, यानी कि जैनेन्द्र कुमार जी एक मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। ध्यान रखना, मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है, परख और सुनीता, ये दो उनके उपन्यास है जिनका प्रकाशन कब होता है, 1937 में। यानी कि परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र, सॉरी, यानी कि त्यागपत्र होता है का प्रकाशन कब होता है, 1937, यानी कि परख और सुनीता का उनसे पहले हो गया, यानी 1935 के आसपास हो गया। तो परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रबुद्ध प्रतिष्ठा दिलाई। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, इन्हें मनोवैज्ञानिक कथाकार कहा जाता है, किस उपन्यास के कारण, त्यागपत्र उपन्यास के कारण, जिसका प्रकाशन कब होता है, 1937 में, अर्थात 1937 ईस्वी में। हाँ बेटा, जीतू यादव आ गया। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली। कालजयी क्या होता है, कभी न समाप्त होने वाली रचनाएं।
यानी कि इन्होंने ऐसे ऐसे रचनाएं लिखी, ऐसे ऐसी कहानियां लिखी हैं जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, वो हमेशा लोगों के मध्य रहेंगी। जब जब लोग इन्हें पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, तब तब जैनेन्द्र कुमार जी को याद किया जाएगा, और जैनेन्द्र कुमार जी को याद किया जाएगा तो इनकी रचनाओं को कोई भुला नहीं सकता। तो इनकी कालजय रचना के रूप में कौन कौन सी हैं, खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, ऐसी महत्वपूर्ण कालजयी कहानियां भी इन्होंने लिखी हैं। तो याद रखना, परख सुनीता के बाद 1937 में त्यागपत्र का प्रकाशन होता है, जो एक मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में जैनेन्द्र कुमार को प्रसिद्ध करता है। बहुत सारी कालजयी रचनाएं लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, जैसे खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाली हैं। कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में भी है, यानी कि लिखने के साथ साथ ये चिंतन भी कर किया करते समाज के प्रति। बहुत सरल और अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति, दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की। कहने का तात्पर्य क्या, देखो समाज को, समाज में कैसे कैसे विडंबनाएं, कैसे कैसी समस्याएं, उनको सुलझाने में भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। राजनीति में भी, अर्थनीति में, पैसों की नीति में भी, और दर्शन में भी। कहने का तात्पर्य इन्होंने लगभग लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अपनी रचनाएं लिखी हैं। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु व सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं वह अनंतर दुर्लभ है, और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया। कहने का तात्पर्य क्या है, इनके विचारों पर आपसे पूछा जाए कि जैनेन्द्र कुमार जी के विचारों पर किसके विचारों का प्रभाव पड़ा, तो गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का, यानी गांधीवादी विचारधारा पर उतरने वाले, खरे उतरने वाले इंसान कौन है, लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार। अब देखो पाठ का सार, यहाँ पाठ क्या दिया हुआ है, बाजार दर्शन। बाजार दर्शन क्या है, एक निबंध है गद्य विधा में, ये याद करना। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ, हम एक पाठ के सार के रूप में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बाजार दर्शन निबंध जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है, याद रखना। पूछा जा सकता है कि जो बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखा गई रचना है वह गद्य विधा में क्या, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, तो क्या है बच्चों, निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है, यानी विचार और उसमें साहित्य के मध्य किस प्रकार सा एक संयोग है, कठिन संयोग बताया गया, दुर्लभ यानी क्या होता है, कठिन। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर, हिंदी में उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले एक डेढ़ दशक पहले से शुरू हुई थी, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, भारत देश में बाजारवाद और उपभोक्तावाद पर चर्चा हुई थी डेढ़ दशक पहले से शुरू हो चुकी थी, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का यह लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए इसे यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि लेखक कह रहे हैं कि भारत देश में बाजारवाद उपभोक्तावाद की चर्चा है ना, पिछले एक डेढ़ दशक से पहले हो चुकी थी, लेकिन जो ये बाजार निबंध लिखा गया वह बहुत पहले लिखा गया था। एक डेढ़ दशक की हम लोग बात करें तो 15 साल 10 साल पहले, एक दशक 10 साल डेढ़ दशक 15 साल पहले, लेकिन ये तो बहुत पहले लिखा गया था। और जब इन्होंने यह निबंध लिखा उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर कि किस प्रकार बाजार अपनी जादुई ताकत से लोगों को अपना गुलाम बना लेता है, काफ़ी बार क्या होता है आपकी जेब में पैसे भी नहीं होते हैं, या आपके जेब में पैसे हैं मान लो बहुत सारे और आपको कुछ नहीं खरीदना है, केवल कहते हैं कि दोस्त के साथ चलते हैं कि बल बाजार घूम के आ जाते हैं, उसकी रोशनी चकाचौंध में चले जाते हैं। अब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, कपड़े पसंद नहीं, मान लो कोई कपड़े तुम्हारे बहुत सारे हैं, जूते बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें जूते कपड़े पसंद आ जाते हैं तो भी बेफिजूल से आप लोग खर्चा करके वहाँ से आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यही है कि किस प्रकार से बाजार की जो जादुई ताकत है वह हमें किस प्रकार से अपने निकट ले जाती है और निकट ले जाने के बाद अपना किस प्रकार से उसे गुलाम बना लेता है, यही यहाँ बताया गया है। बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। हाँ बेटा देखो एक बात ध्यान रखना, अमरदीप देखो जीवन परिचय मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में, पाठ का सार से तो पूछा जा सकता है, पहली बात जीवन परिचय नहीं आया मान लो, नहीं आया ठीक है, लेकिन जब तक जैनेन्द्र कुमार जी के बारे में आप जानोगे नहीं अच्छे से तो बाजार दर्शन निबंध को पढ़ोगे कैसे। भाई हमने पढ़ा कि जैनेन्द्र कुमार जी एक मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं,
अब आपको क्या पता आपसे पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा लेखक है जो मनोवैज्ञानिक कथाकार है, तब क्या करोगे? डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि मुंशी प्रेमचंद के बाद सबसे बड़े लोकप्रिय कथाकार के रूप में कौन किसे जाना जाता है? जिनेंद्र कुमार जी के बारे में। जिनेंद्र कुमार जी ने कौन सा निबंध लिखा हमारी पाठ्य पुस्तक आरव भाग दो में? बाजार दर्शन लिखा। यह क्या है गद्य विधा में? तो निबंध है, ऐसे हमें याद करना होगा। आगे हम चर्चा करें, अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, हमें जो आवश्यकता है यदि वही बाजार से खरीदें तो हमें बाजार से बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। लेकिन अगर जरूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय, यह ध्यान रखना, जरूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक धमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार अर्थात गुलाम बना सकता है। कहने का तात्पर्य, अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय यदि हमारी जरूरत को पीछे छोड़ दें और बिना ऐसे ही घूमने चले गए, चलो बाजार में चलते हैं, तो हमारे अंदर क्या क्या पैदा कर सकता है? असंतोष कर सकता है, तृष्णा कर सकता है, घृणा पैदा कर सकता है। यानी मान लो हमारे पास पैसा नहीं है, फिर हमें कोई चीज़ पसंद आ गई, 5,000 के जूते हैं हमारे पास, हैं 1,000 रुपये, अब हमारे अंदर क्या हो जाए, असंतोष, यार जूते कितने अच्छे थे, मुझे लेने चाहिए थे पर पैसे नहीं थे, असंतोष हो गया। माता पिता पैसा मांगोगे, उनका पैसा नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा करोगे, तो इस प्रकार मन मोटाव सा हो जाता है। तो वही लेखक कह रहा है कि हमें केवल हमारी आवश्यकता के अनुसार बाजार जाना चाहिए और उसका लाभ हमें उठाना चाहिए। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की, यानी कि इस मूल भाव को, ये जो मूल भाव है, बिना आवश्यकता के अनुसार बाजार में जाना, उसकी चमक दमक में फंस जाना, तो जैनेन्द्र कुमार ने अलग अलग तरीकों से, भांति भांति यानी अनेक तरीकों से हमें समझाने की कोशिश किया है। तो बोलो याद हो गया? चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, याद करो। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म कब होता है? 1905 ईस्वी में। कहाँ होता है? अलीगढ़ में। याद हो गया क्या? अलीगढ़। अलीगढ़ कहाँ पड़ता है? यूपी राज्य में अर्थात उत्तर प्रदेश में। 1990 में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हमने उपन्यासों के बारे में बात किया, कौन कौन से उपन्यास हैं, जैसे सुनीता हो गया, परख हो गया, अनाम स्वामी हो गया, त्याग पत्र हो गया, जयवर्धन हो गया, मुक्तिबोध हो गया, याद हो गया? बस ऐसे याद करना है। अब कहानी संग्रह की बात करें तो पाजेब हो गई, नीलम देश की राजकन्या हो गई, नीलम देश की राजकन्या हो गई, ठीक है। और हम बात करें तो अपना अपना भाग्य हो गया, ठीक है, दो चिड़ियां हो गया, ठीक है, इस प्रकार से याद करेंगे। ऐसे ही प्रस्तुत प्रश्न एक निबंध है इनका, प्रस्तुत प्रश्न एक निबंध है, ऐसे हमें याद करना है। अब बात करें, मूल बात क्या थी कि जैनेन्द्र कुमार जी ने कहा है जो व्यक्ति यथार्थ को सत्य मान लेता है वह हमेशा जिंदगी में असमर्थ रहता है, वह सक्सेस नहीं हो पाता है। और यदि हम लोगों ने सपना देखा है, सपने में हमने सत्य के दर्शन किए हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ जो मूल बात है, पाठ का सार के रूप में हम लोगों ने पढ़ा, बाजार दर्शन एक निबंध है जिसमें लेखक ने जो हमारे भारत देश में या हमारे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत 1-1.5 दशक से पहले जो बात चली थी उपभोक्ता और बाजारवाद के मध्य, वह लेखक ने बहुत पहले लिख दिया था। आज मूल रूप से आज हम ऐसा ही देखते हैं और पहले भी ऐसा देखते। क्या एक बात बताइए आप लोग, क्या बाजार के चकाचौंध में आप लोग फंसते नहीं है? क्या आप लोग घूमने जाते तो कोई चीज़ पसंद आती, आप पैसे उधार लेके क्या खरीदते नहीं हो? फिर आप लोग जिसे इससे उधार लिया उसे नहीं चुकता करोगे, असंतोष, घृणा पैदा, तृष्णा होगी नहीं होगी? होगी। मान लो किसी उधार नहीं लिया, फिर आप लोग आ जाते हैं तो माता पिता से झगड़ा करते हैं आप लोग कि ये सामान मुझे खरीदना चाहिए था, मुझे दिलाना है, मुझे पसंद आ गया है, मुझे खरीदना है, कैसे करके झगड़ा करते हो। तो लेखक ने क्या कहा, यदि आप लोग बिना आवश्यकता के अनुसार, यदि आप लोग आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता की चीज़ें सीखने जाते हो बाजार में, तो आप बाजार का लाभ उठा सकते हो, वरना बाजार आपको अपना गुलाम बना लेगा अपनी जादुई ताकत से, चकाचौंध से, यानी कि आप में असंतोष, तृष्णा, घृणा पैदा कर दोगे बिना आवश्यकता के अनुसार यदि आप बाजार जाओगे तो, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया?
एक लाइन हो रहे, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागो की तरह। यानी लेखक ने क्या कहा था, लेखक ने कहा, अभी 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 मैंने बताया कि लेखक इसे समझाने के लिए, किसको समझाने के लिए, कि बिना बाजार, बिना आवश्यकता के अनुसार यदि हम लोग बाजार जाएंगे तो इसे लेखक ने अलग अलग तरीक़ों से समझाने की कोशिश की है। कहीं कहीं दार्शनिक अंदाज में बताने की कोशिश की है, कहीं कहीं हमें किस्सागो के रूप में यानी कि किंवदंती जनश्रुति के रूप में हमें समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों ये था हमारा बाजार दर्शन निबंध का कुछ सारांश। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया। ध्यान रखना महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, यानी कि अर्थशास्त्र को उन्होंने क्या बताया, अनीति शास्त्र, यानी कि नीति के अनुसार नहीं चलने वाला शास्त्र। तो कैसे याद करोगे, बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र भी बताया है। तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें से अब कुछ शब्दार्थ आते हैं। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्द का अर्थ बताना है, तो बताइए परचेजिंग पावर क्या होता है, खरीदने की शक्ति, परचेज यानी खरीदना और पावर यानी शक्ति। असभाव क्या होता है, असभाव होता है सामान। दरकार क्या होता है, जरूरत होता है, ये याद रखना है असभाव, ठीक है। परिमित क्या होता है, परिमित होता है सीमित। अतुलित क्या होता है, जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलित होता है, महत्वपूर्ण है ये। पेशगी क्या होता है, अग्रिम राशि होता है। नाचीज क्या होता है, महत्वहीन होता है, क्या होता है, महत्वहीन। तो याद रखना है अशबाब सामान होता है, परिमित सीमित होता है, अतुलित जिसकी तुलना न की जा सके, पेशगी होता है अग्रिम राशि, नाचीज होता है महत्वहीन। ऐसे अकिंचित कर क्या होता है, अर्थहीन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। पेशोपेश असमंजस, असमंजस यानी कि असमंजस यानी कि विचार नहीं आ रहा हो, कभी विचार आ रहा है, कभी विचार, आप कहते हो ना मैं शादी में जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं, पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, इस प्रकार असमंजस की स्थिति। अपदार्थ जिसका अस्तित्व न हो, इस पर होता है इच्छा, है पदार्थ जिसका अस्तित्व न हो, इस पर होता है इच्छा, पेशो पेश होता है असमंजस की स्थिति, असमंजस, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय, और साथ में हम लोगों ने पाठ का सार पढ़ा, साहित्य कुछ हमने साहित्य के में क्या क्या इन्होंने योगदान दिया सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ गया हो। समझ में आ जाता है बच्चों तो आप लोगों को रोजाना सेशन में लाइव जुड़ना है, रेगुलर क्लासे लेनी है। अब जिन प्रश्नों का मैं आपको अभ्यास कराता हूँ उनको भी साथ साथ में रिपीट करना है, आपको घर पर बैठकर पढ़ाई करना है, फिर हमें 100 में 100 नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अब आपको जो दिखाई दे रहा है वो यह है कि आप लोगों को PDF चाहिए, आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई समस्या आ रही है, आप लोगों को सैम्पल पेपर चाहिए, पीछे जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो हो चुके हैं वो चाहिए, मतलब जो भी आपको चाहिए वो सब आपको अड्डा 24/7 ऐप से मिलेगा। अब वो नहीं डाउनलोड कर रखा है तो प्ले स्टोर से आप लोग अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करो, बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, वहाँ पे लिखना अड्डा 24/7 ऐप, अपने आप आ जाएगा इस प्रकार का लोगो। लोगो हमारा चेंज हो चुका है, आपको पता होगा ए इस प्रकार से है, ठीक है, हाँ अड्डा, ठीक है, ये इस प्रकार से है, आ जाएगा आपको दिखाई दे देगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच बेटा।